विशिंग यू अ वेरी वेरी स्वीट मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इतिहास और हमारा नागरिक जीवन पार्ट 8। मुगल साम्राज्य की स्थापना। प्रारंभिक मुगल शासक 1526 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक, जिसका अध्ययन कार्य हम आज की वीडियो में करेंगे। अध्ययन कार्य शुरू करने से पहले हम एक नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी के बुराई के बारे में सोचने का आपको समय ही ना मिल सके। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, कुछ लोग दूसरों में ही बुराइयां ढूंढने में अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं। यदि यही समय वे अपनी तरक्की और सफलता की ओर लगाएं, तो उनका जीवन सरल और सुंदर बन सकेगा। इसलिए आप अपना समय सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को सुंदर बनाने में लगाएं, ना कि दूसरों में बुराइयां ढूंढने में। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ हम शुरू करते हैं अपने पाठ का अध्ययन कार्य। दिल्ली सल्तनत की शक्ति शनह शनह यानी धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। फलस्वरूप देश की राजनैतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। अनेक राज्यों का उदय हो गया था। इनमें कोई ऐसा राज्य नहीं था जो देश की रक्षा के लिए अन्य राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सकता और उनका नेतृत्व कर सकता। राजनैतिक एकता के अभाव में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं बाबर के विषय में। 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंश के थे। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। यह एक उपजाऊ प्रदेश था। हरे भरे चारागाह, उत्तम जलवायु एवं फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषता थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और वहां से वह भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर का भारत पर आक्रमण। इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। उधर बाबर स्वयं भारत पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सेना को भली भांति तैयार किया। उसने अपना तोपखाना भी सुसज्जित कराया। इसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर के पास तोपें थीं जो भारत के शासकों के पास नहीं थीं। उसके पास कुशल घुड़सवार भी थे। उसकी सेना छोटी थी परंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। बाबर एवं उसकी सेना को अनेक युद्धों के अनुभव थे। उसने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया और बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोदी लड़ाई में मारा गया। इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर और राजपूत, आइए जानते हैं इनके विषय में। चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। ये राणा सांगा के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। बाबर ने स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा था कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया था। खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना भी अधूरा रह गया।
इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदनी राय को चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में तथा अफगान सरदारों को घाघरा 1529 ईस्वी के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। आइए हम जानते हैं बाबर के चरित्र के विषय में। बाबर का चरित्र कैसा था? बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। उसे तुर्की एवं फारसी भाषा तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी, यह तुर्की भाषा में है और तुझके बाबरी नाम से प्रसिद्ध है। इसके फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहा जाता है, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा और लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं बाबर के पुत्र हुमायूं के विषय में। 1530 से 1540 ईस्वी तक तथा 1555 से 1556 ईस्वी तक बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत का शेर शाह मुख्य थे। ये दोनों भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और मुगल शासक हुमायूं को भारत से भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। इन्हीं के साथ हुमायूं के सगे संबंधी भी उसके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने प्रायः उसके शत्रुओं का ही साथ दिया। हुमायूं और बहादुर शाह। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसने सन 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। अतः हुमायूं और बहादुर शाह के बीच युद्ध की संभावना बढ़ने लगी। अंततः हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह की पराजय हुई। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली द्वीप दीप में शरण ली। हुमायूं गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस चला गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं की विजय के विरुद्ध जन विद्रोह के चलते मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया। हुमायूं और शेरशाह। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार जीत लिया। तत्पश्चात शेरशाह ने गौड़ यानी बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं सशंकित था। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से मुकाबला किया। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और वह शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। आइए जानते हैं हुमायूं की वापसी के विषय में। 1555 ईस्वी में शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य शेरशाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला गया। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। फारस के शासक की मदद से हुमायूं ने कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा तथा ग्वालियर में तराशे हुए पत्थरों का किला बनवाया। 1556 ईस्वी में जब वह शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी लड़खड़ा कर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने ही डाली थी, जिसके आधार पर मुगलों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं तुझके बाबरी के विषय में। हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाकों को देखते हुए एक नई दुनिया है।
इसके पहाड़, दरिया, जंगल और रेगिस्तान, इसके कस्बे, इसके खेत, इसके जानवर और पौधे, इसके लोग और भाषाएं, इसकी वर्षा और हवाएं, सब की सब भिन्न हैं। यहाँ की खुशगवार बात यह है कि यह एक बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी का ढेर है। जी हाँ, ये कुछ पंक्तियां थी तुझके बाबरी की, जो कि आत्मकथा है बाबर की। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसी पाठ का अभ्यास कार्य लेकर मैं जल्द ही आऊंगी। तब तक के लिए मैं तो आपको मिस करने वाली हूँ और आप भी मुझे मिस करेंगे, ऐसी उम्मीद तो है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के आने की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार यही कहती हूँ और मैं फिर बोल रही हूँ, इस समय को बेकार ना जाने दें और अपनी पढ़ाई को घर पर ही सुरक्षित रहकर इन वीडियोस के माध्यम से जारी रखिए। थैंक यू।